सुरैया की करीबी दोस्त तबस्सुम जब उनके घर आया करती थी, तब सुरैया दरवाजा भी खोला नहीं करती थी, पर तबस्सुम से वो फोन पर बातें कर लेती थी। एक दिन तबस्सुम ने पूछा, अप्पा कैसे हो? सुरैया ने जवाब दिया, कैसी गुजर रही हूँ? ये तो सभी पूछते हैं, पर कैसे गुजार रही हूँ ये कोई नहीं पूछता। जमाने के लिए सुरैया के यही शब्द आखिरी बयान साबित हुए। सुरैया की ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता, प्यार, चाहत और अपना घर, ये सब सफलता से कई गुना बड़े हैं। जिंदगी में अगर अपने ना हो तो वो सफलता किस काम की। हिंदी सिनेमा में कई खूबसूरत अदाकारा रही हैं, पर 50वीं के दशक में एक हीरोइन ऐसी भी थी जिनकी कहानी सुन आंसू गिर पड़ेंगे। वो इस कदर तक फेमस थी कि एक झलक पाने के लिए दिन भर उनके घर के बाहर भीड़ जमा रहती थी। पर मजबूत प्रसिद्ध होते हुए भी ये अभिनेत्री जिंदगी का आनंद लेने से चूक गईं और भारतीय सिनेमा को कई खूबसूरत गीत और फिल्में देने वाली सुरैया का जीवन अंततः दुख और अंधकार से भरा रहा। आज मैं अपूर्वा श्रीवास्तव सुनाने वाली हूँ कहानी सुरैया की, आपके अपने चैनल वो सुहाने दिन पर। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब में हुआ था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। नाजों से पली सुरैया ने हालांकि संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन आगे चलकर उनकी पहचान एक बेहतरीन अदाकारा के साथ एक अच्छी गायिका के रूप में भी बनी। सुरैया ने अपने अभिनय और गायकी से हर कदम पर खुद को साबित किया है। सुरैया के फिल्मी करियर की शुरुआत बड़े रोचक तरीके के साथ हुई। मशहूर खलनायक जहूर जी सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में मौका मिला। 1941 में स्कूल के छुट्टियों के दौरान वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं तो निर्देशक नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नजर में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज सुनी और उन्हें फिल्म शारदा में गवाया। 1947 में भारत की आजादी के बाद नूरजहां और खुर्शीद बानो ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन सुरैया यही रही। एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे, लेकिन आखिर में ये भी वास्तविक जीवन में एक नहीं हो सके, क्योंकि सुरैया की दादी देव साहब को पसंद नहीं करती थी। लेकिन सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ता उम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के मरीन लाइंस में स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी व्यतीत करती रही। देव आनंद के साथ उनकी फिल्में जीत 1949 और दो सितारे 1951 काफी प्रसिद्ध रही। ये फिल्में इसलिए भी यादों में ताजा रहीं क्योंकि फिल्म जीत के सेट पर ही देव आनंद ने सुरैया से अपने प्यार का इजहार किया था और दो सितारे उन दोनों की आखिरी फिल्म थी। खुद देव आनंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में सुरैया के साथ अपने रिश्ते की बात कबूली है। वे लिखते हैं कि सुरैया की आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वे इसके साथ ही एक बड़ी गायिका भी थीं। हाँ, मैंने उनसे प्यार किया था। इसे मैं अपने जीवन का पहला मासूम प्यार कहना चाहूंगा। अभिनय के अलावा सुरैया ने कई यादगार गीत गाए जो अब भी काफी लोकप्रिय हैं। इन गीतों में सोचा था क्या मैं दिल में दर्द बसा लाई, तेरे नैनों ने चोरी किया, ओ दूर जाने वाले, वो पास रहे या दूर रहे,
तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मुरली वाले मुरली बजा आदि शामिल हैं। उनकी प्रमुख फिल्में हैं शमा, मिर्जा गालिब, दो सितारे, खिलाड़ी, सनम, कमल के फूल, शायर, जीत, विद्या, अनमोल घड़ी, हमारी बात। 50वीं के दशक में डायरेक्टर के आसिफ जानवर नाम की फिल्म बना रहे थे। मुख्य कलाकार के रूप में दिलीप कुमार और सुरैया थी। सुरैया को शूटिंग के वक्त ये महसूस होने लगा कि दिलीप कुमार और के आसिफ की नियत साफ नहीं है। दरअसल हुआ ये कि शूटिंग के दौरान सुरैया के पीठ पर इतनी गहरी चोट लग गई कि उन्हें ठीक होने में 2 महीने लग गए। उस बीच में आसिफ चाहते थे कि फिल्म में एक किसिंग सीन होना चाहिए, पर सुरैया ने किसिंग सीन करने से मना कर दिया क्योंकि वे जानती थी कि सेंसर बोर्ड सीन को काट देगा। नया सीन इस तरह था कि सुरैया को सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को जहर को चूस के बाहर निकालना है, पर ये सीन अच्छे से शूट होने के बावजूद लगातार 4 दिन तक बार बार फिल्माया गया। जब 5वें दिन भी इसी सीन पर काम हो रहा था तब सुरैया तुरंत ही सेट से बाहर निकल गई। सुरैया के इस तरह फिल्म से निकल जाने पर के आसिफ ने ना सिर्फ शूटिंग रोक दी बल्कि फिल्म को बंद कर दिया। 40वीं और 50वीं दशक में सुरैया इसलिए भी जानी गईं कि वे सबसे ज्यादा फीस लिया करती थीं। जब सिंगर और एक्ट्रेस के तौर पर 1954 की फिल्म मिर्जा गालिब बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तब खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुरैया को कहा, तुमने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। जिंदगी में मुकाम हासिल करने वाली सुरैया कहीं ना कहीं मन में दुखी थी। एक दिन उन्होंने लता मंगेशकर को कहा, मुझे अब फिल्मों से दूरियां बना लेना चाहिए। इस पर लता जी ने कहा, तुम्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था कि वे फिल्मों से इसलिए दूर जाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लो ब्लड प्रेशर है। सुरैया जी ने औपचारिक रूप से बीमारी को बहाना बना लिया था, पर उनके करीबी दोस्तों की माने तो वे मन ही मन दुखी थी। देवानंद से बिछड़ने के बाद उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। उनकी दादी देश छोड़ पाकिस्तान चली गई। अब सुरैया के साथ उनकी माँ बची थी। 1963 में इस खूबसूरत अदाकारा ने 33वें उम्र में फिल्मों से संन्यास ले लिया। उन्होंने अवार्ड फंक्शन और पार्टीज में जाना भी कम कर दिया। वे ना ही किसी से मिलती और ना ही किसी को मिलने की इजाजत देती। जयराज, निम्मी, निरूपा रॉय तबस्सुम सुरैया के खास दोस्त थे। वे लोग कभी कभी मिलने भी आते। उनकी जिंदगी पहले से ही दुख भरी थी, पर 1987 में उनकी आखिरी उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया। उनके माँ के निधन के बाद सुरैया जिंदा लाश में बदल गई। जिस घर में वो माँ के साथ रह रही थी उसी घर में वे अकेली पड़ गई। मुंबई के मरीन ड्राइव का वो वही घर था जहाँ एक जमाने में सुरैया की एक झलक पाने के लिए दिन भर भीड़ हुआ करती थी। वो वही घर था जहाँ देव आनंद चर्च गेट से पैदल मिलने चले आते थे। वो वही घर था जहाँ सुरैया ने बचपन गुजारा था। पुरानी यादों को लेकर सुरैया ने वो घर भी छोड़ दिया और कभी पुणे रहती तो कभी वर्ली रहती। 1998 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत समय के बाद वो जब लोगों के बीच आई तब किसी ने उनसे गाने की फरमाइश कर दी। तब उन्होंने कहा, मैंने गाना कई बरसों छोड़ दिया है, पर जब किसी ने देव आनंद का जिक्र किया तब सुरैया जी बड़ी खामोशी से उस भीड़ से निकल गईं। उम्र बढ़ रही थी, साथ में बीमारियों ने भी सुरैया को घेर लिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने अपने वकील और दोस्त धीमंत ठक्कर के घर में गुजारा। सुरैया की करीबी दोस्त तबस्सुम जब उनके घर आया करती थी तब सुरैया दरवाजा भी खोला नहीं करती थी, पर तबस्सुम से वो फोन पर बातें कर लेती थी।
एक दिन तबस्सुम ने पूछा, अप्पा कैसे हो? सुरैया ने जवाब दिया, कैसी गुजर रही हूँ? ये तो सभी पूछते हैं, पर कैसे गुजार रही हूँ ये कोई नहीं पूछता। जमाने के लिए सुरैया के यही शब्द आखिरी बयान साबित हुए और 31 जनवरी 2005 में उम्र के 75वें साल में इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जब ये बात देवानंद को पता चली, तब अपने घर के छत पर जाकर देव साहब रोने लगे। उनके दिल और दिमाग से सुरैया कभी नहीं गई थी और ना ही सुरैया के दिल और दिमाग से देवानंद निकले थे। सुरैया की ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता, प्यार, चाहत और अपना घर, ये सब सफलता से कई गुना बड़े हैं। जिंदगी में अगर अपने ना हो तो वो सफलता किस काम की। आज के लिए बस इतना ही। हम लाते रहेंगे ऐसी कई सच्ची कहानियां आपके अपने चैनल वो सुहाने दिन पर।